हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीठूज इजी रेसिपी। आज हम बनाएंगे भापा बेट की। ये मैंने कुछ ही दिनों में अपने सिस्टर इन लॉ के घर में विजिट किया था और ये रेसिपी उसके हाथ से बहुत अच्छा बना था, तो सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए सबसे पहले हम मसाला लेंगे, थोड़ा सा काला सरसों, सफ़ेद सरसों और थोड़ा पोस्तो। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लेंगे और फिर हम अब वो मिक्सी के जार में वो पूरा मिक्स कर लेंगे और एक कटोरी में हम ये सरसों का पेस्ट, सरसों पोस्तो का पेस्ट लेंगे, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। और हमने भेट की फीस को पहले से ही धो के नमक हल्दी से मैरिनेट करके रखा था। अब हम ये सरसों के पेस्ट में हम इसमें दही मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। दही मिक्स करने से ये हमें सरसों का जो तीखापन थोड़ा सा कम होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ये रेसिपी। अब हम फिश को इस पेस्ट में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से अब ऊपर नीचे करके फिश को पूरा जो सरसों का पेस्ट है उसमें मिक्स करेंगे। और सरसों ऑयल इसमें यूज़ करते हैं, सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। अब फिर से सारे इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा दही और डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से पूरी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे हमने आटा गूंद के रखा था और इसको चारों तरफ से अब हम सील कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा नमक और इसमें मिक्स करेंगे, नमक स्वाद अनुसार दीजिएगा। अब हम जो आटा गूंद के रखे थे वो जो टिफिन में हमने ये प्रिपरेशन को तैयार किया है उसका ढक्कन के चारों तरफ से हम इसे लगा लेंगे ताकि ये पूरी तरह से सील हो जाए और इसका भाप थोड़ा सा भी ना निकले। ये हम कुकर में रेसिपी बना रहे हैं, तो देखिए अच्छी तरह से चारों तरफ से हमने आटा हो या मैदा हो जो भी आप को ठीक लगे आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ये टाइट होके बैठेगा और भाप थोड़ा सा भी नहीं निकलेगा और वो स्टीम में ही फिश पूरी तरह से पक जाएगी। और देखिए मैंने कुकर में पानी गर्म करने रखा था, अब कुकर में हमने उसे दे दिया और इसमें कुकर का लीड को हम खोल देंगे। इसमें अच्छी तरह से ढक्कन होना चाहिए, इसलिए कुकर की लीड को खोल के अब हम इसे 45 मिनट्स के लिए सीम आंच में, पहले थोड़ा सा आंच रखेंगे, फुल रखेंगे, उसके बाद 5 मिनट में हम उसे स्लो सीम कर देंगे और बस हमारा 45 मिनट्स के अंदर भापा बेट की रेडी हो गया है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, आप भी इसे ट्राई कीजिए। और ऊपर से आप इसे गार्निश करने के लिए हरी मिर्च और धनिया फ्रेश धनिया से इसे गार्निश कीजिए और अब गर्मा गर्म भापा भेट की तैयार हो गया है। आप इसे ट्राई कीजिए और ये रेसिपी अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये रेसिपी अगर अच्छे लगे तो मेरे इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ओके, बाय।